टिपिकल स्टेटमेंट जिसमें तथ्य हो न हो, संदेश कोई खास हो न हो, ये चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, उधर से भी चल रहा है, जिधर देखिए उधर से चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि पूरी की पूरी अगर पॉलिटिक्स को इलेक्शन ओरिएंटेड कर देंगे, गवर्नेंस पे बात नहीं होगी। जैसे असम है बगल का राज्य, 5 साल आप वहां रहे, क्या हासिल किया आपने, क्यों दिक्कत है हमें वहां, क्यों वो जो चीजें पहले बोला करते थे आज इन दिनों नहीं बोल रहे। ये एक ईमानदार मूल्यांकन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कहना कि दीदी मुझसे नफरत करती हैं वगैरह। व्यक्तिगत नफरत का मसला नहीं है, व्यक्तिगत मैं समझता हूँ वैमनस्य का मसला होना भी नहीं चाहिए कतई। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या समावेशी एजेंडा लेके जा रहे हैं, अगर हाँ तो उसके ब्लूप्रिंट्स बताइए। महाराष्ट्र गंभीर आरोप है, लेकिन सीएम को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। देखिए उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया, ये जो पॉलिटिकल अनुसंधान पर जोर से ज्यादा पॉलिटिकल टिप्पणियां आ रही थी, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे थे, उसको विराम लगना चाहिए, क्योंकि खत के कई मजमून हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ निर्णय जिनके जिनका हवाला दिया गया वो किसी और ने लिए, तो जाहिर तौर पर इतना जब इतनी जटिल चीजें आपके सामने आ रही हैं तो अनुसंधान पर फोकस होना चाहिए, ना कि मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल रिएक्शन को। जाहिर तौर पर उद्धव जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, 3 दलों का एक कोलिशन काम कर रहा है, तमाम संदर्भों के आधार पर वो उचित फैसला लेंगे। लेकिन जो होते हैं तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कौन लोग सरकार गिराने के फिराक में हैं, लेकिन जो भी लोग इस फिराक में हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, ये सरकार इसके लिए। देखिए ये कौन फिराक में है इसके लिए रॉकेट साइंस का ज्ञान थोड़े चाहिए, वही फिराक में है जो बिना मीडिया को खबर किए हुए 4 बजे सुबह जिन्होंने शपथ ली थी, 4 बजे सुबह, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा सुना नहीं गया था कि 4, 5, 6 बजे सुबह में, इससे पहले कि दुनिया उठे, देश उठे, महाराष्ट्र उठे, somebody had become the chief minister। कैसे कितने दिन टिके वो भी सबको पता है, तो जाहिर तौर पर डेस्परेशन वही है। लेकिन एलओपी लीडर फडणवीस का एक पुलिस का मामला नहीं है, एक बड़ा रैकेट है पुलिस या भ्रष्टाचार का, उसको ढकने लिपने की कोशिश। कई परतें भूतपूर्व पूर्व के रेजिम पर भी इशारा कर रही है, इसलिए मैंने कहा अनुसंधान होना चाहिए, और अनुसंधान होने तक ये जो पॉलिटिकल रिएक्शन में स्कोर सेटल करने की एक एक मनोभावना आजकल प्रबल हो चुकी है, उसको थोड़ा विराम करना चाहिए। अब बार लोकसभा सांसद रही हैं, उन्होंने ऐसा कभी पीएम देखा नहीं है, अब जिन नामों का वो उपमा दे रही हैं वो कुरुतियों से भरा नाम है। वो कहते हैं कि बीजेपी में राक्षस, रावण, दुर्योधन, कुशासन, आतंकी, अशांति का तुलना वो बीजेपी। मैं आपसे एक सीधे सवाल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस तरह की विमर्श की शुरुआत इस देश में कब हुई? 7 साल पहले ऐसा विमर्श नहीं था। ये 7-8 साल में मेरे देश की फिजा आबो हवा में क्या बदलाव आया कि नॉर्मल कम्युनिकेशन मुश्किल हो चला है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजनीतिक शत्रु में सरहद पार वाले शत्रु की भूमिका में बदल दिए गए, ये उचित नहीं है। ममता जी को क्या क्या नहीं कहा गया, हमारे यंग लीडर तेजस्वी यादव जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, और किसने कहा ये भी आप जानते हैं। तो अगर विमर्श गिरता जाएगा ना तो लोकतंत्र चोटिल होता जाएगा, और एक दिन शायद हमारे देखते देखते लोकतंत्र की जो जो स्वस्थ भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो म्यूजियम में चली जाएगी, अजायब घर में। लेकिन इसी बीच लोकतंत्र पर भी सवाल है, जो तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड से निपटने में भारत की प्रशंसा हो रही है, लेकिन 200 साल तक अमेरिका ने राज किया है भारत। मैं तो विप्लव जी हूँ, ये हूँ, मन करता है पांव छू लूं, साहब इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं, मतलब एक चीफ मिनिस्टर है साहब, अभी फटी जींस से अमेरिका तक आ गए, ब्रिटानी हुकूमत से वो उन्होंने अमेरिकी हुकूमत में तब्दील कर दिया। अब अगर उनका इशारा है कि आने वाले दिनों में गुलाम बनाने की कोई संभावना बनाई जा रही है तो वो जाने, लेकिन मैं बीजेपी के हाईकमान से जरूर पूछूंगा, आपके पास बेहतर विकल्प थे, आप इस तरह के विकल्प पे क्यों सेटल करते हैं, क्या परेशानियां हैं, आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे इतना मौलिक सामान्य ज्ञान उस राज्य का मुखिया को अगर नहीं है तो क्या संदेश जा रहा है। लेकिन कहा जनसंख्या नियंत्रण राजनीतिक बहस का हिस्सा है भारत में, लेकिन वो कहते हैं कि जब तुम्हें बच्चे पैदा करने थे तुमने 2 किया, अब तुम्हें 10 किलो अनाज मिल रहा है तो परेशान हो, जिसने 20 पैदा किया है उसे 1 क्विंटल मिल रहा है। मैं दुख के साथ कहना जा रहा हूँ कि इस तरह के लोग इस देश के मुख्यमंत्री है, संविधान पे शपथ ली है उसका कोई मायने नहीं है, इस तरह की वैमनस्य की जुबान बोली जाती है। और हाँ, डेमोग्राफी एक साइंस है, मैं रावत साहब से कहूंगा, बड़े डेमोग्राफर इस मुल्क में रहे हैं,
उनसे थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आप वो 25 पन्नों वाली व्हाट्सएप वाली किताब पढ़ते रहेंगे ना, अपना भी नुकसान करेंगे, अपने दल का भी और अपने राज्य का भी।